All right, ladies and gentlemen, this video is all about how to be productive at home and invest your time properly. Since काफी सारे educational institutes and offices to have a work from home कोई resume कर रहे हैं, therefore I'm here to share a few tips and tricks or habits with you guys जो कि आप लोग daily routine में incorporate कर सकते हैं easily. They're pretty simple, you don't need to worry about those. And आप लोग जो हैं वो productive हो सकते हैं ताकि आप लोगों का work experience increase हो जाए, आप लोगों की knowledge increase हो जाए 2020 से. आप लोग कुछ फायदा उठा सकते हैं बेसिकली. बट बिफोर आई जंप टू दोस हैबिट्स, मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड लीव अस अ कमेंट डाउन बिलो. अगर आप लोग इस वीडियो की तरह कोई और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाह रहे हैं या फिर अगर आप फीडबैक देना चाह रहे हैं. सो क्या आप अपना टाइम वेस्ट कर करके परेशान हो चुके हैं? क्या आपको होम सिकनेस हो रही है? क्या आप कामयाबी के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं? क्या आप लेजी और टायर्ड हैं? क्या आप एक अच्छी रूटीन से रख करना चाह रहे हैं? क्या आप मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं? सो इस सब के लिए मेरे पास है 4 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको अडॉप्ट करने से आपकी रूटीन बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है. एंड दोज आर, नंबर 1 पे हमारे पास बुक रीडिंग. अब बुक रीडिंग यूजुअली बहुत सारे लोगों को बोरिंग लग रही होती है एंड लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम मूवीज वगैरह देखें, दैट्स वे मोर एंटरटेनिंग. बट ट्रस्ट मी, बुक रीडिंग अगर आप ग्रेजुअली उसमें थोड़ा थोड़ा अपना इनपुट देते जाएंगे तो आपके बुक की इवेंचुअली बहुत अच्छी हैबिट बन जाएगी. रोज आप लोग 2 से 3 पेजेस भी पढ़ लें, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू. और एक अच्छा नॉवल लीजिएगा, सस्पेंस एंड थ्रिलर का, जिससे आप बने रहे और आपका इंटरेस्ट कायम रहे ताकि आप उसको कंप्लीट कर सके. सेकेंड वन इज लर्निंग लैंग्वेज. सो ये बहुत अच्छा तरीका है टू कीप टाइम एंड आप डेली जो है वो 10 to 15 वर्ड्स याद करें विद मीनिंग एंड उसके बाद उसको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं. इस तरह आप लोगों को बहुत अच्छे से एटलीस्ट हाफ वे थ्रू ही सही, लेकिन आप लोगों को एक और लैंग्वेज आ जाएगी. सो द थर्ड वन वी हैव इज हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज. कुछ भी आप लोग फॉलो अप कर सकें, शुगर कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकें या फिर 30 मिनट वॉक, जो भी आप लोगों के लिए ईजी हो, अवेलेबल हो, घर में आप आसानी से कर सकें, आप उसको कंटिन्यू कर सकें. Now the fourth and the most important one is to start a way of earning. अब आप earning जो है वो different social media platforms के through आप लोग start कर सकते हैं, जैसे कि Instagram. आप लोग उस पर अपना blog account बना सकते हैं. कोई भी आपका passion है, skills है आपके पास, cooking की, paintings की, baking की, आप लोग उसको sell कर सकते हैं Instagram पे, Facebook पे, उनको उन pages को sponsor कर सकते हैं. आप लोग YouTube channel बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी आप लोग lecture videos upload कर सकते हैं या कुछ भी जो भी आप लोगों के लिए easy हो समझाने के लिए या फिर बताने के लिए. उसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं. आप लोग कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो एक प्रोडक्ट को परचेज करें एंड उसमें जितना भी बेनिफिट होगा वो आपके पास आएगा. उसके अलावा ट्यूशंस आप पढ़ा सकते हैं या फिर वही ऑनलाइन किसी स्कूल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट. रिजल्ट आप लोग अपलोड करने में, फाइल अप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं या फिर आप टीचिंग भी कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेजन या फिर दराज पे आप अपना सेलर अकाउंट बना सकते हैं एंड एक अपना अच्छा सा बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम होम जो है उसको लेके चल सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू गिव अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. और अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप लोगों की वीडियो कैसी लगी. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किस किस्म की वीडियोज बनाऊँ सो डू लेट मी नो. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम.